हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पलक नोट्स। मेरा नाम पलक मिडा है और मैं एक सप्लीमेंट एडवाइजर हूँ जर्मनी से। आज की वीडियो में बात करूंगी पेन किलर्स के ऊपर। हर घर में पाई जाती है पेन किलर की गोली। पेन किलर्स आपको अंदर से खत्म कर रहे हैं, आपके डाइजेशन को, आपकी इम्यूनिटी को। जो लोग पेन किलर्स लेते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। यही नहीं, आपको हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, जो कि नंबर वन कॉज ऑफ डेथ है, आपको ज़्यादा प्रोन कर रहे हैं उसके लिए। जब नेचुरल रेमेडीज पेन किलर से ज़्यादा अफेक्टिव हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट, तो हम क्यों पेन किलर्स लेते हैं? क्योंकि कभी किसी ने बताया नहीं। आज की वीडियो में मैं आपके सामने लाऊंगी साइंटिफिक रिसर्च एंड स्टडीज। साइंटिस्ट ने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि नेचुरल चीज़ें ज़्यादा हेल्प कैसे करती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में चाहिए, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। छोटी मोटी पेन हम सबकी लाइफ में लगी रहती है। किसी दिन सर दर्द, नी में पेन, बैक में पेन, हम लोग क्या करते हैं, क्रोसिन, डोलो, पैरासिटामोल, मेफ्टिस्पास की गोली झट से बिना सोचे समझे ले लेते हैं। ये पेन किलर्स कैसे काम करते हैं? पेन किलर्स, आपकी बॉडी के अंदर एक एंजाइम है प्रोस्टाग्लैंडिंस। ये वो एंजाइम है जो कि आपको पेन का, दर्द का एहसास दिलाता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। बट यही वो एंजाइम है जो कि आपके पेट की लाइनिंग को, जहाँ पे अल्सर हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी को, आपके अच्छे बैक्टीरियाज को प्रोटेक्ट करके रखता है। और जब हम इसको लॉन्ग टर्म लेते रहते हैं तो आपके पेट के अंदर ब्लीडिंग, अल्सर्स और आपके पेट की लाइनिंग्स में होल हो जाते हैं। तभी जब आपको एसिडिटी होती है, आपको एसिड चुभता है, बेसिकली वो आपके अल्सर्स हैं पेट के अंदर, जो कि पेन किलर्स ने किए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कितना फ्रीक्वेंटली ले सकते हैं हम पेन किलर्स। एक सिंगल डोज ऑफ पेन किलर भी आपको परमानेंटली आपके शरीर के अंदर डैमेज करके जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या पेन किलर्स बिल्कुल यूजलेस हैं? पेन किलर्स यूजफुल हैं कहाँ पर? अगर आपकी मेजर सर्जरी हुई हो, पेन बहुत ज़्यादा हो, स्टिचेज आए हों, तो पेन किलर्स आपकी स्वेलिंग ख़त्म करते हैं, आपकी पेन को, क्योंकि पेन इतनी ज़्यादा है, उसको बियर करने में हेल्प करते हैं। बट छोटा मोटा सर दर्द, नी पेन, इन सब के लिए हमें पेन किलर्स की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट पेन किलर्स ओवर द काउंटर मेडिसिन की शॉप में मिलने ही नहीं चाहिए, सिर्फ डॉक्टर रिकमेंडेशन पे ही मिलने चाहिए। इसके अलावा ड्रग एंड डिजीज जनरल में साफ लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरिया आपको आई इन्फेक्शन देता है, यूटीआई देता है, आपकी स्किन को इन्फेक्शन देता है, साल्मोनेला एंड ई कोलाई जैसे बैक्टीरियाज, इबोब्रुफेन और अर्थराइटिस की गोली, आपके ये बैक्टीरियाज आपके शरीर के अंदर बढ़ाते हैं। अब मैं बात करती हूँ वो ऐसा पेन किलर जो कि हम सबके घर में पाया जाता है और हमको उसको ज़्यादा यूज़ करना है पेन किलर की गोली को नहीं। वो है हल्दी को पीला रंग देने वाला कंपाउंड कुरकुमिन। हल्दी को उसका पीला रंग कुरकुमिन ही देता है। कुरकुमिन आपका पेन कम करता है, मतलब अगर आपको दर्द हो रही है उसको कम करता है, आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बढ़ाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब उम्र के साथ, बुढ़ापे के साथ आने वाली हर प्रॉब्लम को डील करता है। कुरकुमिन आपके ब्रेन के अंदर ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, इसका मतलब नए ब्रेन सेल्स उगाता है, मतलब बुढ़ापे के साथ हमें मेमोरी प्रॉब्लम, अल्जाइमर्स जैसी जो बीमारियां हैं उनसे बचाता है। कुरकुमिन आपको बहुत तरीके के कैंसर से प्रोटेक्ट करता है और आपको हार्ट की कोई भी बीमारी लगने से उसको भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आपके इंडोस्थीलियल सेल्स को प्रोटेक्ट करता है जो कि हार्ट में पाए जाते हैं। कुरकुमिन आपको डिप्रेशन के अगेंस्ट भी फाइट करता है। अब आप ये सोचो, आपको दर्द हुआ, आपने कुरकुमिन लिया सिर्फ दर्द को हैंडल करने के लिए, उसके साथ कुरकुमिन आपको दे के गया 100 तरीके के फायदे, और आपकी पेन किलर की गोली ने आपका पेन, दर्द खत्म किया, साथ में दे के गया 100 तरीके के नुकसान। इस चीज पे रिसर्च भी हुई है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड में साफ लिखा गया है कि जब दो पार्टिसिपेंट्स को सेम तरीके का दर्द हो रहा था, एक को इबोब्रुफेन दी और एक को कुरकुमिन दिया, जिनको कुरकुमिन दिया उस समय उनका पेन जल्दी खत्म हुआ। अब मुझे पता है आप ये सोच रहे होंगे कि कल से मैं ज्यादा हल्दी खाऊंगा। प्रॉब्लम हल्दी में यही है कि हल्दी के अंदर सिर्फ 2% कुरकुमिन होता है और वो भी हमारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। अगर आपने कुरकुमिन को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करना है
तो अक्सर सप्लीमेंट कंपनीज कुरकुमिन के साथ बेचती हैं पेपर एक्सट्रैक्ट, काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट। काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट कुरकुमिन की एब्जॉर्प्शन को आपके शरीर में 200% बढ़ा देता है। मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो केसेस आते हैं उन लोगों को डाइजेशन का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, और ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट रोज लेना डाइजेशन के लिए अच्छी नहीं थी। तो फिर मेरे पास क्या तरीका था, हम लोगों ने निकाला एक पैटेंटेड कुरकुमिन, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी मतलब ये आपकी शरीर के अंदर कितना एब्जॉर्ब होता है वो बिना ब्लैक पेपर के उतना ही है। उसके अलावा हमने एक कैप्सूल निकाला जॉइंट केयर करके, क्योंकि जब नीज में पेन होती है, आपकी बैक में पेन होती है, वो पेन बहुत ज़्यादा होती है, उस पेन के ऊपर मुझे चाहिए था कुरकुमिन से भी एक पावरफुल पंच, जो कि अदरक के एक्सट्रैक्ट से निकलता है। टर्मरिक रूट और जिंजर एक्सट्रैक्ट को मिला के हमने एक गोली बनाई है जॉइंट केयर कैप्सूल्स, जो कि आपको मेरी वेबसाइट palaknotes.com से मिल जाएगी। यही नहीं, मैं आपको और 200 साइंटिफिक पेपर्स दिखा सकती हूँ कि आपकी पेन किलर्स आपको किस तरीके से सिंगल डोज खत्म कर रही है। सो गाइज, इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मैंने अपना काम कर दिया आपके सामने पेपर्स और स्टडीज ला के और ये गोली बना के। अब आपको अपना काम करना है, इस वीडियो को शेयर करके लोगों को एज रिलेटेड और बहुत सारी बीमारियों से आप बचा सकते हो एक शेयर का बटन हिट करके। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो यूजफुल था। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।